हेलो व्यूअर्स दिस इज़ वाहिदिल आसमानी हेयर वेलकम टू फैक्चुअल मैथ्स सो आज की क्लास में हम बात करेंगे यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम की आपको याद होगा कल की क्लास में हमने बात की थी यूक्टस डिवीजन लेमा की जिसमें हमने आ, कहा था कि यूक्टिस डिवीजन लेमा आपसे क्या कहता है लेट मी गिव यू ओवरव्यू ऑफ दैट यूक्टस डिवीजन लेमा कहता यूक्टिस डिवीज़न लेमा कहता है कि इफ इफ डिवीजन लेमा यू हैव एनी टू पॉजिटिव इंटीजर्स से ए एंड बी देयर एग्जिस्ट टू मोर पॉजिटिव इंटीजर्स क्यू एंड आर सेटिस्फाइंग ए सेटिस्फाइंग एज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर सच दैट आर इज ग्रेटर बी ये आपके पास यूक्लिड्स डिवीजन लेमा कहता है आज है आपके प्ला आपके पास यूक्लिड्स डिवीजन एलगरिथम यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम क्या होता है अब सबसे पहले हम बात करेंगे एल्गोरिथम की यूक्लिड्स डिवीजन के बारे में हमने कल बात की थी एल्गोरिथम क्या होता है एल्गोरिथम वी कैन से इट इज़ अ सीरीज ऑफ वेल सीरीज ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप्स हम लिख सकते हैं इसको सीरीज ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप्स ये एक सीरीज होती है वेल डिफाइंड स्टेप्स की विच आर यूज्ड और विच प्रोसीजर फॉर सॉल्विंग फॉर सॉल्विंग टाइप ऑफ प्रॉब्लम टाइप ऑफ प्रॉब्लम ये एक प्रोसीजर ये आपके पास एक वेल डिफाइंड सीरीज होती है स्टेप्स की जो आपको एक प्रोसीजर तरीके कार वेआउट देता है किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए या अब ये येम अल, अल, कहता है आपसे अब बात है वट इज यूक्लिड्स डिविजन एल्गोरिथम, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम को आप लिख सकते हैं ये एक टेक्निक होती है इट इज ए टेक्निक आप लिख सकते हैं इट इज ए इट इज ए टेक्निक यूज टू फाइंड द एच सी एफ ऑफ जिसका इस्तेमाल किया जाता है टू फाइंड द एच सी एफ ऑफ एनी टू गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स ठीक है लेटमी सपोज कि आपको फाइंड करना है मान के चलते हैं हम आ, बात करते हैं इफ यू आर रिक्वायर्ड टू फाइंड द एच सी एफ ऑफ ट्वेंटी फोर एंड ट्वेंटी फोर एंड मान के चलते हैं हम 6, 24 और 6. ये दो नंबर हैं एंड यू आर रिक्वायर्ड टू फाइंड द एच सी एफ आफ ट्वेंटी फोर एंडस डिवीजन एल्गोरिथम आपको एक इक्वेशन देता देता है जैसे कि यूक्लिट्स डिवीजन आपको डिवीजन लेमा देता है उसी तरीके से यूक्टिस डिवीजन एल्गोरिथम भी आपको एक इक्वेशन देता है जिसमें क्या आप कह सकते हैं सी इज इक्वल टू डी क्यू प्लस आर वेयर आर इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू लेस देन

सिंपल तरीके से जो हम डिवाइड करते हैं उस तरीके से करके देखते हैं ट्वेंटी फोर डिटी फोर डिटी फोर यू आर लेफ्ट विद जीरो बचा आपके पास ये जो जीरो मीन्स यहाँ जो आपके पास आर होता है जो इक्वेशन में आपके पास सी इज इक्वल टू डी क्यू प्लस आर आपके पास जो इक्वेशन है दिस इज ये जो आर है आर इज योर रिमाइंडर अब आप देख सकते हैं यहाँ जो ट्वेंटी फोर सिक्स का एच आया अब यहाँ मसला है कि कौन सा नंबर इन नंबर्स में से साफ डिक्लेयर किया जाएगा एंड आपका यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम कहता है जिस डिवाइजर से क्योंकि आप देखते हैं ये डी जो है आपके पास डी स्टैंड्स फॉर आप यू कैन से कि ये डिवाइजर भी है जिस डिवाइजर से आपके पास आ, जीरो आ जाए या टोटल वो नंबर आ जाए या जिस डिवाइजर से स्टेप में जीरो आता है वो आपका आपकी

तो चलिए बात करते हैं हम अपने टेक्सुअल क्वेश्चंस की एक्सरसाइज वन पॉइंट वन का क्वेश्चन नंबर वन इट सेज यूज से डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड दाइट सी एफ आफ फर्स्ट पार्ट है आपके पास वन हंड्रेड एंड थर्टी फाइव वन हंड्रेड थर्टी फाइव एंड टू हंड्रेड ट्वेंटी फाइव आपने एच फाइंड करना है बाई यूजिंग क्या है आपके पास पार्ट दिया हुआ है वन वन एंड टू इसका आपने अपने फाइंड करना है बाई यूजिंग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम आप लिखेंगे बाई यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम है हमारे पास जो इक्वेशन होती है लिखें ठीक है ना लिखें तो भी कोई मसला नहीं है जो आपके पास दिया होता है तो आप लिखेंगे मल्टीप्लाई करें सो so दैट आपके पास टू हंड्रेड ट्वेंटी आ जाए या तो इससे कम आ जाए तो आई थिंक वन

प्लस नाइन्टी यू विल गेट टू हंड्रेड ट्वेंटी फाइव क्योंकि इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करना होता है नेक्स्ट इज अब देखिएगा आपका यूक्लियस डिवीजन एल्गोरिथम कहता है अगर फर्स्ट स्टेप में यानी कि जिस स्टेप में आपके पास जीरो नहीं होता अगर इस स्टेप में जैसे हमने ये इस ये स्टेप के इसमें जीरो नहीं हो गया रिमाइंडर तो आर जीरो नहीं हो गया तो अब आपने क्या करना है डी यह आपका डी है डी और आर में और यूक्लियस डिवीजन लेमा अप्लाई करना है यानी 135 और 90 में अब आपने यूक्लियस डिवीजन लेमा अप्लाई करना है और आगे इसको डिवाइड करना है ताकि हम इसको आर को जीरो बना सके अब 135 अब 135 आपका बन जाएगा डीवी दिवी, डिविडेंड या आप कह सकते हैं इसको ये आपका सी बन जाएगा एंड डी बनेगा अब आपका 90 डी होगा अब आपका 90 क्योंकि आपने सी और सॉरी uh, आपने डी और आर में अप्लाई करना है अब यूक्लिड डिवीजन लेमा लेकिन अब जो आपका वन थर्टी फाइव है ये आपका बन जाएगा सी एंड नाइन्टी बन जाएगा आपका डी चलिए हम आग, अगले स्टेप में करते हैं क्या है वन थर्टी फाइव इज इक्वल टू नाइन्टी इंटू नाइन्टी इंटू नाइन्टी आपका मल्टीप्लाई क्या करेंगे हम वन से प्लस नाइन्टी में क्या ऐड करें टू गेट वन थर्टी फाइव आई थिंक इट इज फोर्टी फाइव नेक्स्ट यहाँ भी जीरो नहीं हुआ अब आपका नाइन्टी हो जाएगा सी एंड फोर्टी फाइव हो जाएगा आपका डी इनटू टू फोर्टी फाइव को मल्टीप्लाई कर लेंगे आप टू से प्लस हो जाएगा जीरो वेन फोर्टी फाइव विल बी मल्टीप्लाइड बाई जी फोर्टी फाइव मल्टी वन फोर्टी मल्टीप्लाई बाई टू यूट नाइनटी इक्वेशन यहाँ सेटिसफाई हो गया और आपका आर जो है वो जीरो हो गया जीरो हो गया तो इट मीन जिस स्टेप में आपका अलगरिदम कहता है जिस स्टेप में आपका आर जीरो हो जाए और उसमें आपका डी जो होता है वो एच सी एफ होगा एच सी -E एफ अब लिख सकते हैं एच एफ आइन एच सी सॉरी एच एफ आफ वन 35 फाइव एंड टू टू इज फोर्टी ये हो गया आपका अब इसका जो नेक्स्ट पार्ट है इसका नेक्स्ट पार्ट आपके पास जो है उसमें आपने दूसरा पार्ट जो है उसमें आपने एच ए फाइंड करना है एच ए फाइंड करना है दूसरा पार्ट वन नाइनटी सिक्स एंड थ्री एट टू टू जीरो 196, 38220, 3, 8, 2, 2, and इसका आपने फाइंड करना है चलिए थ्री एट टू टू जीरो आप लिखेंगे यहाँ सोल्यूशन में यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम आप लिख सकते हैं बाई यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम आपको जो इक्वेशन मिलती है वो लिख लें इज इक्वल टू वन नाइनटी सिक्स 196 को आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा वन आपको मिलेगा थ्री ए टू टू ज़ीरो चेक हम इसको ज़रा चेक करते हैं वन नाइन्टी सिक्स बाई यू कैन हेयर सिंपल डिवीजन जो होती है आपके पास उसको आप वो आप अप्लाई कर सकते हैं कि थ्री एट टू टू जीरो किससे कम्प्लीटली डिवाइड होता है या नहीं होता है आई थिंक इट इज़ वन हंड्रेड एंड नाइन्टी फाइव वन नाइनटी सिक्स को आप वन नाइन्टी फाइव से मल्टीप्लाई कर देंगे यू विल गेट थ्री एट टू टू जीरो कम्प्लीटली डिवाइड हो जाता है प्लस ज़ीरो तो रिमाइंडर आपका ज़ीरो आर जीरो हो जाता है तो आपका एक्सेप्ट जो है वो आपका 96 आता ये हो गया आपका, HCF. HCF 196 196. है एच सी एफ एच सी एफ आप थ्री एट टू टू जीरो पास दिया हुआ है थर्ड वन पार्ट आपका है एट सिक्सटी सेवन एंड टू फिफ्टी फाइव थर्ड पार्ट एट हंड्रेड सिक्सटी सेवन एंड टू हंड्रेड फिफ्टी फाइव टू हंड्रेड फिफ्टी फाइव चलिए जी सोलूशन में आप लिख सकते हैं बाई यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम यहां आप देख सकते हैं एट सिक्सटी सेवन जो है वो बड़ा है टू हंड्रेड टू हंड्रेड फिफ्टी फाइव से तो आप लिखिएगा किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 255 को करेंगे? 255, हो गया 510, 510, 10 and 3, करेंगे तो हाँ थ्री हजार ही करना पड़ेगा थ्री थ्री फाइव सेवन हंड्रेड एंड सेवन हंड्रेड सिक्सटी फाइव इसमें से माइनस कर लीजिएगा एट सिक्स टू सेवन में से फाइव सेवन में से फाइव टू सिक्स जीरो जीरो

Is 51. ये हो गया आपका एच सी एफ तो आगे जो टू थ्री फोर एंड फाइव क्वेश्चन हैं उनको हम अगली क्लास में सॉल्व करेंगे अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो और डोंट लाइक डोंट फॉरगेट टू तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर माई वीडियोज एंड चैनल थैंक यू